नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी के सिविल हॉस्पिटल के पास, जहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दादी रसोई श्री दादी जी परिवार मंगल समिति लखनऊ द्वारा ये आयोजन किया गया है, जहां पर आप देख रहे हैं एक डाला है, उसके अंदर छोला और चावल का यहाँ वितरण हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका, किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं? श्री दादी परिवार मंगल समिति ये कार्यक्रम का आयोजन करती है। हमारे भक्त मिल करके, इसमें सभी लोग मिल करके दादी के नाम पे एक रसोई चलाते हैं, जो कि हम लोग पिछले 2-3 महीने से चला रहे हैं। तो सर, क्या यानी कि इस रसोई को चलाने का कोई खास यानी कि उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि जिन लोगों को भोजन व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, उनको भोजन की व्यवस्था दे सके, एक छोटा सा बहुत छोटा सा प्रयास है जी। तो क्या यानी कि ये जो सिविल हॉस्पिटल है, इसी यही अस्पतालों के आसपास की कहीं और भी आप लोगों के द्वारा वितरण? हम लोग हमेशा ट्रामा सेंटर के बाहर या सिविल हॉस्पिटल के बाहर इन्हीं जगह पे लगाते हैं, जिससे कि जो तीमारदार आते हैं उनको अगर कुछ हम लोग सहयोग कर सके तो जी। तो ये आपको रसोई का कार्यक्रम आयोजन किए हुए कितना समय हो गया? ये लगभग 3 महीने से हम लोग कर रहे हैं लगातार। सर, ये क्या यानी कितने लोगों के साथ में, घर परिवार के ही लोग रहते हैं कि कुछ अलग से भी लोग? हमारी दादी परिवार संस्था है, श्री दादी परिवार लखनऊ संस्था है, उसके द्वारा आयोजित होता है कार्यक्रम। हमारी पूरी संस्था द्वारा आयोजित है कार्यक्रम। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दादी रसोई का एक आयोजन किया गया है, जहाँ पर ये छोला चावल का वितरण किया जा रहा है। सभी भक्त आ रहे हैं और इस प्रसाद का ग्रहण भी कर रहे हैं, जहाँ पर इनकी जो समिति है उन्हीं के सारे लोगों के साथ में ये कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि काफी यहाँ पर भक्तगण है जो इस रसोई के कार्यक्रम के आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। जहाँ पर हम एक भाई साहब से और पूछेंगे कि भाई साहब, अभी तक के कितने लोगों को प्रसाद वितरण करा चुके हैं आप? 100 से 150 लोग अभी हो चुके हैं। अच्छा, तो कितने बजे आ गए थे यहाँ लोग? हम लोग का ये 12:30 बजे के सर। यानी क्या कोई समय भी सीमित है कि जब तक चल रहा है, जब तक प्रसाद चल रहा है, तब तक चलता रहेगा? तो आप देख रहे हैं कि एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन राजधानी में हमने आपको दिखाया कि दादी रसोई जो यहाँ पर उसके बैनर के तले जो समिति है, ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश की राजधानी के सिविल हॉस्पिटल स्थित, जहाँ इनके द्वारा हर एक अस्पताल के बाहर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, ताकि वहाँ के तीमारदार जो खा नहीं पा रहे या किसी प्रकार की उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है, वह अच्छे भोजन का लुत्फ ले सके। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। सहयोग के साथ मैं अमित कश्यप इजाजत चाहता हूँ, नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।